गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेनो विद स्टेनोग्राफर। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड्स में। स्टार्ट। सुनने में यह विचित्र लग सकता है क्योंकि प्रशंसा का अर्थ हम सराहना से और आलोचना का अर्थ निंदा से लगा लेते हैं। विराम। सराहना और प्रशंसा में अंतर होता है। विराम। सराहना उठाती है, आगे बढ़ाती है। विराम। वहीं प्रशंसा अगर आत्ममुग्ध बना रही है तो समझिए कि वह मीठे जहर के समान है। विराम। आमतौर पर देखा जाता है व्यक्ति गुणी है, प्रतिभावान है, तो जाहिर सी बात है कि उसको सहज रूप से प्रशंसा मिलनी शुरू हो जाती है। विराम। इसका परिणाम यह होता है कि उसके अंदर आत्ममुग्धता, आत्म प्रशंसा का भाव विकसित हो जाता है। विराम। ऐसे व्यक्ति अपनी प्रशंसा अपने मुंह से करने में और दूसरे व्यक्तियों से अपनी प्रशंसा सुनने को लालायित रहते हैं। विराम। वे अक्सर अपने बारे में बात करना और सुनना पसंद करते हैं। विराम। मित्रों के साथ बैठे होने पर वे ऐसे विषयों का चुनाव करेंगे जिसमें घूम फिर कर उनके विषय में बात होने लगे। विराम। वे भूल जाते हैं कि क्या सूरज खुद कहता है कि उसमें कितना तेज है, क्या सागर को यह प्रशंसा सुनने की अपेक्षा है कि उसमें कितनी गहराई है। ? प्रशंसा सुनकर आत्ममुग्ध होना घातक है तो स्वयं प्रशंसा तो उससे भी बढ़कर हानि करती है। विराम। हाँ, वास्तविक प्रशंसा का स्वीकार अपनी अहमियत रखता है। विराम। यह किसी को समृद्ध करेगा। विराम। नेक्स्ट। दरअसल गुण और अच्छे कर्म इतने सुगंधित होते हैं कि उनके संपर्क में आने वाला व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। विराम। यह हो सकता है हमसे प्रभावित होने वाला व्यक्ति हमारे मुंह पर हमारी प्रशंसा न करता हो, पर मन ही मन हमारी प्रतिभा का लोहा अवश्य मानता है। विराम। प्रतिभा का लोहा मित्र ही नहीं बैरी भी मानते हैं। विराम। पर जब हम अपने मुंह से कहने लगते हैं कि मुझ में अमुक अच्छाई है, अमुक गुण है या अमुक कार्य मैंने किया है, तो उसमें अहंकार झलकने लगता है। विराम। अहंकार की भावना हमारे द्वारा किए गए काम की चमक को कम कर देती है। विराम। लोगों का ध्यान हमारे कार्य से अधिक हमारे अहंकार और बड़ बोलेपन पर ठहर जाता है। विराम। नेक्स्ट। इस स्थिति में अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करने वाले आमतौर पर पीठ पीछे उपहास का पात्र बन जाते हैं। विराम। सफलता से ईर्ष्या करने वाले लोगों को एक मौका मिल जाता है। विराम। वे सम्मान देने से अधिक व्यंग्य का केंद्र बनाने में रुचि रखने लगते हैं। विराम। उनको मुद्दा मिल जाता है कि कोई प्रतिभावान तो बहुत है पर अभिमानी और आत्ममुग्ध है। विराम।
इसलिए उन्हें अपने गुणों से पराजित करें, अपने बड़े बोलों से नहीं। विराम नेक्स्ट। एक व्यापक संदर्भ में मुक्ति बोध कहते हैं, दुनिया में नाम कमाने के लिए कभी कोई फूल नहीं खिलता। विराम। कितनी सुंदर बात है यह। विराम। याद रखना चाहिए कि किसी का अधिकांश वास्तविक चरित्र इस बात में निहित है कि वह अपने बारे में क्या नहीं कहता है। विराम। अपने विषय में जो नहीं कहा जाता वही हमारा वास्तविक परिचय होता है, क्योंकि लोग हमारे शब्दों से अधिक हमारे आचरण व्यवहार से परखते हैं। विराम नेक्स्ट। यह संभव है कि किसी को जरा से परिश्रम से अधिक नाम प्रशंसा मिल जाती है और किसी के हिस्से में कुछ नहीं आता, या आता भी है तो बेहद कम। विराम। जब अपने साथ ऐसा भेदभाव देखते हैं तो हमारा अंतर्मन कहता है कि हम अपने ही प्रशंसा विस्तारक मंत्र बन जाए। विराम। प्रशंसा या नाम कमाने की चाह एक प्रकार का लोभ है, यश एक मद है। विराम नेक्स्ट। हमने मन से कार्य किया, परिश्रम से साधा, तो प्रशंसा की चाह ही क्यों? क्वेश्चन मार्क। और प्रशंसा मिल गई तो ठीक, उससे आत्ममुग्ध होने की क्या आवश्यकता? क्वेश्चन मार्क। पूरी लगन और एकाग्रता के साथ किया गया कार्य कभी भी निष्प्रभावी नहीं होता। विराम। शत्रु भी हमारी सफलता के आगे एक न एक दिन नतमस्तक हो जाते हैं। विराम। इसलिए प्रशंसा की चाह या आत्म प्रशंसा से ऊपर उठकर मात्र अपने लक्ष्य को साधते रहना चाहिए। विराम स्टॉप।